द्वारा किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए बहुत सारी क्रांतिकारी योजना पेश की गई। उसमें से एक सॉयल हेल्थ कार्ड योजना है। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से यह स्कीम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इस योजना के परिकल्पना ये थी कि प्रत्येक किसान को उसके जमीन की 12 तत्वों की क्या स्थिति है उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, और निश्चित तौर पर किसान को पता लगता है उसके क्या तत्व हैं, कौन से तत्वों में कमी है, किस प्रकार उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार बैलेंस फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाएगा, और निश्चित तौर पे जमीन को यदि सही चीज़ें मिलेंगी तो निश्चित तौर पर उत्पादकता भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और सॉइल की हेल्थ भी बढ़ेगी दीर्घकालीन रूप से। और निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ किसान की आय वृद्धि में बहुत सहायक होती हैं। किसानों तक पहुँच वाली देश की ये सबसे बड़ी योजना अब तक की है। पहले चक्र में 15-17 तक 10.74 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया, और दूसरे चक्र में 17-19 तक करीब 12.25 करोड़ किसानों को दिया गया। इतनी अधिक संख्या में किसानों तक रीच शायद ही कभी योजना पहुंचा होगा। अब पीएम किसान योजना लागू हुई है, जिसमें पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को करीब 8.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये का किस्तें तीन किस्तों में साल में मिलना प्रारंभ हुई है। इस मृदा परीक्षण योजना में खाली सॉइल हेल्थ कार्ड के कार्ड मिलना एक आस्पेक्ट था। दूसरा सबसे मेजर आस्पेक्ट ये भी था कि मृदा परीक्षण जांच करने का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, इसमें जांच की परियोजना किया जाए, जहां पे 1 करोड़ सैंपल भी साल में टेस्ट नहीं हो पाते 2015 में, वर्तमान में 3 करोड़ से अधिक सैंपल जांच करने की क्षमता प्राप्त हुई है। 3 करोड़ से अधिक सैंपल प्राप्त हो सकते हैं और निश्चित तौर पर किसान अपने तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस वर्ष में 19-20 में इन सारी जांच रिपोर्ट के आधार पर इसका संतुलित उपयोग करने से क्या लाभ होता है, प्रत्येक ब्लॉक में एक एक गांव आइडेंटिफाई किया गया। तो वर्तमान में 6,694 गांव आइडेंटिफाई किए गए ब्लॉक में, जहां पे परीक्षण किए जा रहे हैं, सैंपल्स किए जा रहे हैं। करीब करीब 2-3 लाख के आसपास ग्रामों के प्लॉट में दिखाया जा रहा है कि संतुलित उर्वरक प्रयोग करने से क्या लाभ होता है, किस प्रकार उत्पादकता बढ़ती है, किस प्रकार उत्पादन बढ़ता है, किस प्रकार आय वृद्धि होती है और किस प्रकार सॉइल की हेल्थ की बेटरमेंट होता है। और निश्चित तौर पर इससे किसान का आए बड़े सकारात्मक प्रभाव आए हैं, उसकी कल कॉन्फ्रेंस 19 फरवरी को भी इस वर्ष पर की जाएगी। मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने ब्लॉक में जो आपका गांव लिया गया है उसके किसान भाइयों से संपर्क करें। हम लोग ब्लॉक में इसकी गोष्ठियां भी आयोजित कराएंगे, जिससे इसका प्रचार प्रसार प्रसार हो पाए। आगे वाले समय में भी इस प्रकार के ग्रामों में प्रदर्शन की व्यवस्था को और बढ़ाया जाएगा, जिससे उर्वरक की क्षमता बढ़े और धरती जो सोना उगलती है उल्ले। और निश्चित तौर पर इसके बहुत सारे फायदे हुए हैं। यदि आप पिछले 5 साल के उत्पादन के आंकड़े देखें, 15-16 के आंकड़े से लेके और अभी सेकेंड एस्टिमेट 19-20 का आया है, लगातार 5 सालों में प्रत्येक वर्ष उत्पादन बढ़ा है। अभी जो सेकेंड एस्टिमेट 15 फरवरी को लॉन्च किया गया, बताया गया 291.95 मिलियन प्रोडक्शन हुआ है, और लगातार 5 साल तक प्रत्येक वर्ष उत्पादन बढ़ना शायद ये इतिहास होगा। बहुत कम समय हुआ, पिछले 10-15 साल के आंकड़े देखें, 3 साल बढ़ता है, कभी वजह से घट जाता है, पर हर साल बढ़ेगा। निश्चित तौर पे इसका लाभ दिख रहा है किसानों के आगे रूप में। किसान भाइयों से पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी ज़मीन की क्षमता के हिसाब से उर्वरक का प्रयोग करें, अपने तत्व जानकारी कराएं। आपके ग्राम में भी, आपके ब्लॉक में भी, कुछ में ब्लॉक में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अपनी ज़मीन की जाँच कराएं और जो आपका परीक्षण प्रमाण आए उसके प्रकार से उर्वरक प्रयोग करें। निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत सहायक होगा। धन्यवाद। जय हिंद।